जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। शांतिनगर स्थित अपने आवास पर वार्ड 7 से जिला पंचायत सदस्य बसपा प्रत्याशी शंकर सिंह भोला ने जिला प्रशासन पर लगाए सत्ता के दबाव में उन्हें हराने का आरोप। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित शांतिनगर में वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत बसपा के प्रत्याशी शंकर सिंह भोला ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन के द्वारा सत्ता के दबाव में आते हुए उन्हें हरा दिया गया है, क्योंकि वह लगभग 442 वोटों से जीत गए थे, जिन्हें जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा था कि वह अगले दिन जीत का प्रमाण पत्र ले लें, लेकिन जब वह सुबह ही कलेक्ट्रेट में प्रमाण पत्र लेने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तरुण पाल को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया है। शंकर सिंह भोला ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने सत्ता पक्ष के मंत्रियों एवं नेताओं के दबाव में आकर उन्हें हराया है और उन्हें डर है कि उनकी कोई हत्या ना कर दे, वह इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाएंगे जिस कारण उन्हें अपनी जान का खतरा है। शंकर, क्या मामला है आज आपने? हेलो, मैं सबसे पहले सबको आदर पूर्वक नमस्ते करता हूं। मेरा नाम शंकर सिंह भोला है, मैं वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत प्रत्याशी बसपा समर्थित हूं और मैं यहां पर इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के जब से मतगणना शुरू हुई और मतगणना समाप्त होने तक यहीं रहा। मैं सब वार्ड जितने भी वार्ड और बूथ सहित मैं सब वोटों का बोरा लेकर 412 वोटों से विजयी होकर आरओ साहब के पास गया अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए। प्रमाण पत्र मांगने पर उन्होंने कहा कि ये प्रमाण पत्र तो आपको फीडिंग होने के बाद और SDM साहब के यहाँ से मिलेगा, ADM साहब के यहाँ से। हमने कहा जी ठीक है, आप फीडिंग कर लो। तो फीडिंग करने के बहाने उन्होंने वहाँ से मतपेटियाँ हटाना शुरू कर दिया। मतपेटियाँ विदाउट सील थी, कोई सील नहीं थी। हमने ये आवाज़ उठाई तो हमें बलपूर्वक लाठी डंडो प्रशासन के द्वारा धमका कर चुप करा दिया गया। फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि जी अब हम क्या करें। उन्होंने कहा कि भाई 5 बजे आना और अपनी फीडिंग के हिसाब से हम आपको बता देंगे कौन सा कैंडिडेट विजयी है कौन सा नहीं है। हमने वहाँ पे 10-20 लोगों ने आवाज़ उठाई कि जी हम लोग जब तक आप फीडिंग करते हैं यहीं बैठना चाहेंगे, यहीं हमारे सामने करो। तो उन्होंने वो हमें पुलिस के द्वारा वहाँ से हटवा दिया गया। हमने सोचा यार प्रशासन है, कुछ हमारी भलाई होगी, चलो हम लोग रही थे। हमें सुबह तक निकलने नहीं दिया, सुबह ही पेपर में आया प्रेस की तरफ अखबार, हमने अमर उजाला, दैनिक जागरण, रॉयल बुलेटिन सब पेपर लिए। उन पेपरों में हम विजयी थे, हमारा नाम अंकित था, 412 वोटों से विजयी थे। सब गाँव के लोग आने लगे हर्षोल्लास मनाने के लिए। तब तक पता लगा कि भाई रात को 2 बजे तरुण पाल को, बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को, इन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया। प्रमाण पत्र व्हाट्सएप पे वायरल हुआ। उस प्रमाण पत्र को हम देखना चाह रहे थे कि भाई वो किस अधिकारी ने दिया, किस प्रेस के सामने दिया, किसकी मौजूदगी में दिया, किन साक्ष्यों के आधार पे दिया, वो कुछ भी नहीं है। हमने कचहरी में पता किया, कचहरी में प्रमाण पत्र नहीं बैठा। वो रात के अंधेरे में 3 बजे किस अधिकारी ने अपने घर पर बुला के, किस सत्ता अधिकारी ने अपने घर पर बुला के दे दिया, हम कह नहीं सकते। हम रात तक विजयी थे, सुबह अखबारों में भी विजयी थे, वो बीच में कहां पे हम हार गए हमें नहीं पता।